अरुणा विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। बड़ी ही हकीकत से मनाया गया मुहर्रम का त्यौहार। मुहर्रम का जुलूस पूरे जिले में गमगीन माहौल में पूरे जोशों खुलूस से मनाया गया। बगिया में जहां युवाओं ने याद करबला में करतब दिखाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया, वहीं बच्चों ने भी छोटी छोटी तलवारें लेकर उत्साहित हो या हुसैन हक हुसैन के नारे लगा रहे थे, मानो कोई उसमें गैस से जोश भर रहा हो। सबसे पहले ताजिया इमाम चौक से उठकर पूरे गांव में गश्त करते हुए मस्जिद के पास बैठाया गया। उसके बाद नौजवानों ने अपने अपने कर्तव्य व कला का प्रदर्शन दिखाकर क्या बूढ़े क्या जवान क्या मासूम बच्चे सबने मातम कर हाय हुसैन हाय या हुसैन की सदाएं बुलंद करते रहे। इसके अलावा अखाड़ा वालों ने भी नए कर्तव्य दिखाकर सबको लुभाते रहे। मुहर्रम का त्यौहार करबला के 72वें शहीदों की याद में मनाया जाता है। ताजियादार नईम खान ने कहा कि मुहर्रम का त्यौहार हम लोग हर साल की तरह इस साल भी परंपरागत तरीके से मना रहे हैं, कहीं कोई असुविधा नहीं हुई। उन्होंने प्रशासन को भी धन्यवाद दिया। करबला में हमें सिखाया है कि जीवन चंद रोज का ही है और असल जीवन तो आखिरत मृत्यु उपरांत में ही प्रारंभ होता है। भगवान की बात तो मानना परम धर्म है और सदा हक सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे शत्रु कितना भी मजबूत क्यों न हो। खुद में इतनी सहनशीलता लाओ कि शत्रु वार करते रहे थक जाए, पर अपने हक की रक्षा के लिए किसी भी बलिदान के लिए तैयार रहो। इज्जत के जीवन से इज्जत की मृत्यु ही अच्छी है। इस मिर्जापुर से हनीफ खान ब्यूरो की एक खास रिपोर्ट।